दो दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर से शेयर बाजार खुल गया। रक्षाबंधन के दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, 243 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई खुल चुका है। एनएसई की निफ्टी 50 में भी हल्की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। 95 अंकों की बढ़त के साथ खुला निफ्टी 50। शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था बाजार, जहाँ 1330 अंकों की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ था। निफ्टी 50 में भी 397 अंकों की बढ़त दर्ज की गई थी। तो देखिए, फिलहाल दो दिन बाद जब शेयर बाजार खुला है, तो रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर अगर देखें तो शेयर बाजार में अच्छी बढ़त नजर आई है। रक्षाबंधन के दिन बढ़त के साथ बाजार खुला है, 243 अंकों की बढ़त के साथ खुला है बीएसई। वहीं एनईसी की निफ्टी 50 में भी हल्की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। तो देखिए, शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार, और दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार, आज सोमवार के दिन एक बार फिर से शेयर बाजार खुला है, तो एक अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। रक्षाबंधन के दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार खुल चुका है, 243 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई खुला है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी हल्की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है, 95 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 50 खुला है। निफ्टी 50 में भी 397 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। दो दिन की छुट्टी के बाद शेयर बाजार खुल चुका है। रक्षाबंधन के दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। चलो, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, शेयर बाजार में फिर से बढ़त के साथ मार्केट खुल चुका है और निवेशकों के चेहरे फिर से खुल गए। बिल्कुल, देखिए, आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, और सबसे पहली बात, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, जाहिर सी बात, दो दिन छुट्टी थी सैटरडे और संडे, उसके बाद से आज मार्केट जिस तरह से खुलते हुए दिखाई दिया। देखिए, 80,000 के पास, यानी 80,500 के आसपास सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो भी 25,000 के आसपास खुलते, 24,500-25,000 के आसपास खुलते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि इस तरीके से उम्मीद जो पिछले सप्ताह हमने देखी थी, जो 2 से 3 दिन मार्केट कोलैप्स हुआ था, कई सारे शेयर्स डाउन हुए थे, दो बड़ी कंपनी जिसमें रिलायंस और अडानी समूह के जो शेयर्स थे उसमें डाउनफॉल देखने को मिला था, तब से ये कयास लगाई जा रही थी कि क्या मार्केट वापस आएगा, क्या मार्केट वापस अच्छे अंकों के साथ खुलेगा, और जितने लॉसेस हुए उसकी भरपाई कब होगी। और आज हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी कंपनी है जिसमें से रिलायंस हो, इंडस्ट्रियल बैंक, एशियन पेंट हो, अडानी पोर्ट्स हो, इनके शेयर अगर हम बात करें तो शुक्रवार तक रेड जोन में था, लेकिन आज ही पूरी तरीके से ग्रीन जोन में दिखाई देते हुए दिखाई दे, ग्रीन जोन यानी हरे रंग की शुरुआत, जो शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि त्यौहार के दिन, रक्षाबंधन का त्यौहार है आज पूरे देश भर में, तो ऐसे में जिस तरह से शेयर मार्केट खुला है, उम्मीद लगाई जा रही है कि आज के दिन कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। तमाम जो निवेशक जिन्होंने उनके शेयर डाउन हुए थे, उनमें उनके पैसों में, उनके निवेशक में आज जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।